नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीवाणु से होने वाले रोग या बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें जीवाणु से होने वाले रोग कई हैं और इन रोगों की जब हम बात करेंगे तो इन रोगों को ट्रिक के थ्रू देखेंगे। किसके थ्रू? ट्रिक के थ्रू, जिसमें ट्रिक है हमारी पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, ये हमारी ट्रिक है। और जब आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, पंडित का टिक न्यू है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रोग जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से रोग हैं। तो प से है प्लेग। कौन सी है? प्लेग बीमारी। इसके अलावा अगर हम बात करें, डे से है डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिप्थीरिया, और त से हो गया आपका तपेदिक। कौन सा हो गया? तपेदिक। ठीक है, यह त से जो रोग मैंने आपको बताया वो तपेदिक, या पर इसे हम सामान्य भाषा में टीवी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, का से काली खांसी। का से काली खांसी। टे से टेटनेस। टे से क्या है? टेटनेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट से एक और बीमारी मान सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड। तो यहाँ पर ट से मैंने दो बीमारियां कर दी, एक टेटनेस और दूसरी टाइफाइड। इसके अलावा क से कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग या कोड बोलते हैं इसको, लेप्रोसी बोलते हैं। न्यू से है निमोनिया। कौन सा है? निमोनिया। है से है हैजा। ठीक है, इसके अलावा दो तीन रोग और हैं। यहाँ पे कितने रोग हो गए? एक प्लेग, डिप्थीरिया दो, तपेदिक तीन, काली खांसी चार, टेटनेस पांच, टाइफाइड छः, कुष्ठ रोग सात, निमोनिया आठ, हैजा नौ। इसके अलावा एक दो रोग और हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। दो तीन रोग और हैं, उनको मैं इसके बाद बताऊंगा। तो अगर हम बात करें प्लेग, ये जो प्लेग नामक बीमारी है, ये प्लेग नामक बीमारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है पाश्चुरेला, पाश्चुरेला पेस्टिस। क्या कारण है? एक बैक्टीरिया इसका कारण है और उस बैक्टीरिया का नाम है पाश्चुरेला पेस्टिस। ये जो पाश्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया करता क्या है? तो ये बैक्टीरिया जो है, ये जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर पर हमला करता है, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये चूहे, इसके अलावा गिलहरी के ऊपर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं, उन पिस्सुओं के अंदर ये बैक्टीरिया होता है। और वो पिस्सू क्या करते हैं, चूहे से मानव तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और जब ये पिस्सू जो है मानव तक पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि उन लोगों को, यानी जिन लोगों तक ये बैक्टीरिया पहुंचा है पाश्चुरेला पेस्टिस, उनको बीमारी हो जाती है प्लेग। और ये ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से टच करने पर फैलती है, छुआछूत वाली बीमारी है प्लेग बीमारी। और इस बीमारी में होता क्या है, तो इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इस बीमारी में बहुत ही तेज बुखार आता है, इस बीमारी में बहुत ही तेज बुखार रहता है। हालांकि अब ये बीमारी जो है वो एक तरीके से विलुप्ति की कगार पर है, अब इस बीमारी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले जब एंटीबायोटिक वगैरह नहीं थी तब प्लेग नामक जो बीमारी थी इसका प्रभाव ज्यादा था। और पता चला कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए एक छोटी सी बीमारी के कारण, प्लेग। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में आसानी से इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बीमारी है कौन सी, डिप्थीरिया। तो जो डिप्थीरिया नामक बीमारी है, ये डिप्थीरिया नामक बीमारी भी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से हो रही है। किससे? बैक्टीरिया से हो रही है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम है कोरिन
बैक्टीरियम, कॉरिन बैक्टीरियम, डिप्थीरियाई, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होती है इसमें होता क्या है, तो डिप्थीरिया जो होती है इसमें गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और जो गला है वो एक तरीके से चौक हो जाता है धीमे धीमे। यानी पहले गले में झिल्ली बनेगी, झिल्ली बनने के पश्चात धीमे धीमे गला जो है वो चौक हो जाता है और ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। इसका भी इलाज जो है वो संभव है, ठीक है। डिप्थीरिया जो है इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस, ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो यानी मैंने आपको बताया कि डिप्थीरिया जो है ये किसके कारण हो रहा है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, इसका निवारण क्या है, तो डीपीटी का टीका जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तपेदिक, तपेदिक या फिर जिसे हम टीबी बोल रहे हैं, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इस बैक्टीरिया के कारण टीबी नामक रोग हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारे फेफड़े होते हैं इन फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो फेफड़े हैं इनमें पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण यानी जो तपेदिक रोग है वो हो जाता है, क्षय रोग या तपेदिक रोग कहें या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो है इसे कहें। इसे एक और नाम से जाना जाता है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष्मा रोग, या फिर इसके लिए एक और शब्द आता है काक रोग। तो ऐसे पूछ ले बाई चांस कि काक रोग कौन सा है, तपेदिक है, यक्ष्मा रोग कौन सा है, तो वही टीबी तपेदिक जो होता है ये यक्ष्मा रोग होता है, ठीक है। इसका भी इलाज जो है वो संभव है और इसके लिए डॉट्स जो है ये इसका पक्का इलाज है, डॉट्स से आसानी से इसका इलाज हो सकता है। टीबी का बहुत ही साधारण सा इलाज है, टीबी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भी बनाया है कि लगभग इसको 2025 तक जो है टीबी को भारत से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था? रॉबर्ट कोच, यहीं पर मैं बता देता हूं, रॉबर्ट कोच ये जर्मनी का वैज्ञानिक है, रॉबर्ट कोच, जिसने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया, उस टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक टीका भी लगाया जाता है बच्चों को, बीसीजी का टीका। कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी मतलब बेसिलस कैलिमरी ग्यूरेन, बेसिलस कैलिमरी ग्यूरेन, ठीक है। बीसीजी की अगर बाई चांस फुल फॉर्म पूछ ले तो ध्यान रखना है बेसिलस कैलिमरी ग्यूरेन, बेसिलस कैलिमरी ग्यूरेन बीसीजी की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट बीमारी पर और वो है काली खांसी। काली खांसी नामक जो बीमारी है इस बीमारी का कारण क्या है, तो काली खांसी नामक जो बीमारी है इस बीमारी का एक कारण है, उस कारण का नाम है बैक्टीरिया, ठीक है भाई। बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी है तो मैंने आपको बता दी। अब इसका कारण जो है यानी फिक्स कोई एक बैक्टीरिया होगा, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है बोर्डीटेला, बोर्डीटेला पर्टोसिस। जो बोर्डीटेला नाम पर्टोसिस नामक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण काली खांसी नामक बीमारी हो जाती है और इसमें गला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। और ये बच्चों को ज्यादा होती है, कभी कभी तो पता चल रहा है कि बच्चे को एकदम से खांसी आई और खांसते खांसते ही उसकी डेथ हो गई कई बार, मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए। पता चल रहा है कि खांसी जो लगातार आती है इसमें और काफी खतरनाक प्रकार की खांसी होती है। और बोर्डीटेला पर्टोसिस नामक जो बीमारी है इसका भी सफल इलाज है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो बोर्डीटेला पर्टोसिस नामक जो बैक्टीरिया है इसके कारण काली खांसी हो रही है और
इससे प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है? गला है भाई। खांसी आ रही है तो क्या होगा, प्रभावित अंग कौन सा होगा? सबसे अधिक प्रभावित जो अंग होगा वो कौन सा होगा? गला होगा। ठीक है, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वही डीपीटी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है भाई। डी मतलब डिप्थीरिया, इस बीमारी में भी काम करेगा। पी मतलब पर्टोसिस या काली खांसी या बूफिंग कफ बोलते हैं जिसको, ठीक है। और टी मतलब टिटनेस, टिटनेस के में भी, यानी ये तीन रोगों में काम करता है डीपीटी का टीका, ठीक है। टिटनेस नामक जो बीमारी होती है, टिटनेस नामक जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है? तो आपकी टिटनेस नामक बीमारी जो है ये साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो जीवाणु है, इस जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। इसका टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है ये शरीर में पहुंचता कैसे? जैसे तो अगर हम बात करें कि जैसे पैर में चोट लग गई या शरीर के किसी भाग में चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं कि जैसे धूल वगैरह में यानी वैसे ही चलने लगते हैं, तो पता चला कि उस घाव के माध्यम से जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो बैक्टीरिया है ये शरीर में एंटर कर गया। एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? एंटर कर जाएगा तो शरीर में, जैसे ही ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो ये शरीर को ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है शरीर में जिससे ऐसा लगता है जैसे लकवा मार गया क्या, ठीक है। यानी शरीर में ऐंठन होने लगती है, शरीर जो है वो जकड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए टिटनेस जो है वो काफी खतरनाक बीमारी भी है, लेकिन डीपीटी का टीका जो है इसमें लगाया जाए तो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इसके अलावा टिटनेस नामक बीमारी में एक और इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन या टीका बोल सकते हैं जिसको, जिसको हम बोलते हैं एटीएस का टीका लगाया जाता है। एटीएस का एक इंजेक्शन लगता है और उस इंजेक्शन के बाद टिटनेस का जो खतरा है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। एटीएस, तो एटीएस का जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन लगवाइए और आराम से टिटनेस जो है वो कोई समस्या पैदा नहीं करती है टिटनेस कभी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो बीमारी है वो कौन सी है? टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड नामक जो बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो ये होती है साल्मोनेला, सॉरी किसके कारण हो रही है? तो टाइफाइड नामक जो बीमारी है ये भी आपकी साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होती है। साल्मोनेला टाइफोसा दोनों का आपका जो बैक्टीरिया है वो सेम है। टेटनेस का भी वही बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफोसा, और टाइफाइड का भी वही बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफोसा। टाइफाइड जो हमारा होता है, टाइफाइड में तेज बुखार आता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो समस्याएं होती हैं ये समस्याएं होती हैं किसमें? टाइफाइड में। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके कारण कुष्ठ रोग हो जाता है। जब भी कुष्ठ रोग होता है तो जो हमारी त्वचा होती है उस त्वचा पर सफेद सफेद चकते निकल आते हैं, सफेद सफेद दाग बन जाते हैं। और जब सफेद सफेद दाग बनते हैं तो होता क्या है कि जहां जहां सफेद दाग बनेगा वहां पर वहां की जो न्यूरॉन होंगी, वो न्यूरॉन क्या होंगी, वो न्यूरॉन एक तरीके से, यानी अगर जिस जगह पर चकत्ता बना हुआ है उस जगह पर अगर हम टच करें तो जिस व्यक्ति के शरीर पर चकत्ता है उस व्यक्ति को वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने मुझे टच किया है। यानी एक तरीके से यानी टचिंग पावर जो होती है वो धीमे धीमे लॉस हो जाती है और जो न्यूरॉन है वो भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं। कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो है ये आपका न्यूमोकोकल नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? न्यूमोकोकल नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्लोकोकल न्यूमोनी बोलते हैं इसको, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। तो डिप्लोकोकल न्यूमोनी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है न्यूमोनिया। और निमोनिया जो होता है, इस निमोनिया में होता क्या है कि हालांकि ये बच्चों में ज्यादातर होता है, निमोनिया जो है बच्चों में ज्यादा होता है। इसमें बच्चे जो है वो तेज तेज सांस लेने लगते हैं, इसमें गला और जो फेफड़े होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं न्यूमोनिया में, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज जो है वो संभव है आराम से, ठीक है। एक और रोग बचा आपका कौन सा? हैजा। हैजा जो है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है हैजा। हैजा में उल्टी दस्त सबसे ज्यादा होता है, उल्टी और दस्त की कंडीशन बन रही है तो समझ लीजिएगा कि वो हैजा की कंडीशन है, ठीक
ठीक है। तो ये मैंने आपको 9 रोग बताए, और इन 9 रोगों में अगर हम बात करें तो 9 रोग और 9 रोगों के कारण क्या क्या है वो सभी आपको मैंने बता दिए। एक दो बीमारी और है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। उन बीमारियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हमारी और बच गई है। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गोनेरिया। क्या बोलते हैं? गोनेरिया। गोनेरिया नामक जो बीमारी है ये प्रदूषित जल के कारण होती है, प्रदूषित जल के कारण। और इसका बैक्टीरिया कौन सा है? तो बैक्टीरिया है नाइसेरिया गोनेरिया। नाइसेरिया गोनेरिया नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण गोनेरिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 10वीं बीमारी हुई कौन सी? गोनेरिया। किसके कारण हो रही है? नाइजेरिया गोनेरिया के कारण हो रही है। किसके कारण? नाइजेरिया गोनेरिया के कारण। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सिफिलिस। कौन सी बीमारी होती है? सिफिलिस। जो सिफिलिस नामक बीमारी होती है ये कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रही है? तो इसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं गोनोकोकस। गोनोकोकस इसको बोलते हैं गोनोकोकस गोनोराही। गोनोकोकस गोनोराही नामक जो बैक्टीरिया होता है इस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस नामक बीमारी जो होती है वो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हैं क्या? सूजाक। क्या बोलते हैं? सूजाक। अच्छा सॉरी, सूजाक का जो बैक्टीरिया है वो तो ये है, उल्टा बता दिया मैंने। सूजाक जो रोग है उसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है गोनोकोकस गोनोराही। कौन सा? गोनोकोकस गोनोराही। वो मैंने पहले थोड़ा सा उल्टा बता दिया। और सिफिलिस नामक जो बीमारी है, इस सिफिलिस नामक बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रेपोनोमा। ट्रेपोनोमा पैलेडियम। ट्रेपोनोमा पैलेडियम, ठीक है। तो सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रेपोनोमा पैलेडियम, और सूजाक नामक जो बैक्टीरिया है ये गोनोकोकस गोनोराही। और ये जननांगों से संबंधित रोग है, ठीक है। ये जो रोग हैं ये जननांगों से संबंधित रोग हैं जो किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बैक्टीरिया से संबंधित जो रोग थे उन रोगों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वायरस जनित रोग हैं यानी वायरस के कारण होने वाले रोग, उन रोगों के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।